गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड 19 की स्थिति पर की चर्चा। 31 मई के बाद की रणनीति को लेकर हुई बातचीत। देश में कोरोना मामलों की संख्या 1,66,000 से ऊपर, अब तक 4,700 से अधिक लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58 लाख तक पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना संक्रमण से करीब 71,000 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 42.88% हुई। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की कोविड 19 से अत्यधिक ग्रस्त 13 शहरों की स्थिति की समीक्षा। देश के करीब 70% संक्रमित इन शहरों में मौजूद। भारत ने अगले 2 साल के लिए नए अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक तौर पर बनाई अपनी जगह। भारत की उम्मीदवारी को मिला एशिया प्रशांत समूह का समर्थन। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बनाई व्यवस्था। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना ने सीमा प्रबंधन को लेकर अपनाया बेहद उत्तरदायी रुख। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में करीब 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में करेगी विकसित। सड़कों के दोनों ओर लगाए जाएंगे औषधि और हर्बल पौधे। फ्रांस से आए एयरबस के विशेषज्ञों ने शुरू की पाकिस्तान विमान हादसे की जांच। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जांच दल करीब 3 माह में पेश कर सकता है अपनी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का लिया निर्णय। इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक में हुआ निर्णय। असम में बाढ़ से हालात हुए चिंताजनक। राज्य में 11 जिलों में करीब 3 लाख लोग प्रभावित।